मयूर सर हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप अपने फिश को हेल्दी रखोगे, तंदुरुस्त रखोगे, उसको अच्छा खाना खिलाओगे, पानी साफ रखोगे, तो आपके फिश को आप बीमारी से बचा सकते हैं। सबसे कॉमन डिजीज जो हम हर एक फिश में पाते हैं वो है व्हाइट स्पॉट। तो चलो आज पढ़ते हैं व्हाइट स्पॉट कैसे होता है, क्यों होता है, किसके वजह से होता है, क्या रीजन है उसके होने के, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे फिश को व्हाइट स्पॉट हुआ है। चलो पढ़ते हैं। व्हाइट स्पॉट और ईक ये दोनों एक ही है। सो आप जानते हैं कि व्हाइट स्पॉट होता क्या है, मतलब ईक होता क्या है। बेसिकली ईक एक पैरासाइट है। ये आपके सोर्स वाटर में ही मिलते हैं, सिर्फ इनएक्टिव होते हैं। अब हम जानेंगे कि ईक होने के कारण क्या है। ये आपके हर फिश को अफेक्ट करेंगे। आपके हर फिश को ईक हो सकता है। अगर आपके फिश की इम्यूनिटी वीक होगी तो उसे अफेक्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि ये आपके सोर्स वाटर में ही रहते हैं। अगर आपकी फिश की इम्यूनिटी वीक, तब ये उन्हें जाके अटैक करेंगे, तो आपके फिश को ईक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, ये आपके पानी का टेम्परेचर। अगर आपका पानी का टेम्परेचर हमेशा फ्लक्चुएट होगा तो आपकी फिश को ईक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके पानी का पीएच। अगर आपके पानी का पीएच भी हमेशा फ्लक्चुएट रहेगा तो भी आपका फिश स्ट्रेस में जाएगा। अगेन फिश स्ट्रेस में जाएगा तो उसे ईक होने के वहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि अगर आपने नया फिश लाया और उसे बिना एक्लिमेटाइज किए आपके एग्जिस्टिंग टैंक में डाल दिया, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपके फिश जो एग्जिस्टिंग फिशेस है उन्हें भी इशू हो सकता है। क्या पता आपने जहाँ से लाया हो वहाँ से ही उसे ईक हुआ हो, उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके एग्जिस्टिंग फिशेस है उन्हें भी ईक हो सकता है, क्योंकि हमने उसे क्वारंटाइन नहीं किया, टेम्परेचर चेक नहीं किया, उसको कुछ इशू है कि नहीं वो सब देखा ही नहीं। जैसे अगर आपने पानी एक्लेमेटाइज नहीं किया, नया फिश लाया और बिना उसे एक्लेमेटाइज करके आपने डायरेक्टली डाल दिया, अब बाहर के टेम्परेचर अलग, आपके घर में टेम्परेचर अलग, तो इससे आपके फिश को स्ट्रेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस में गया तो ऑब्वियस है कि उसको ईक हो भी सकता है। अब हम सीखेंगे कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे फिश को ईक हुआ है। अगर फिश को व्हाइट स्पॉट हुआ है तो फिश के बॉडी पे व्हाइट स्पॉट नजर आएगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन है जिसे आपको पता चलेगा कि आपके फिश को ईक या व्हाइट स्पॉट हुआ है। अब चलो देखते हैं बाकी के सिम्टम्स क्या है। सबसे पहला सिम्टम ये है कि अगर उसे ईक हुआ है, मतलब ईक से उसको खुजली हुआ, इरिटेशन हो रहा है, तो वो अपना बॉडी सरफेस को है ना, स्टोन पे या ग्लास पे या फिर सॉइल या सैंड रहेगा तो उस पे जाके रब करेगा, वो रिलैक्सेशन के लिए वो ऐसे सब हरकतें करेगा, तब हमें पता चलेगा कि हमें हमारे फिश को ईक होने के चांसेस बढ़ रहे। दूसरा सिम्टम है कि वो हैवीली ब्रीथ करना शुरू होएगा, लंबी लंबी सांसें लेगा, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए वो टैंक के पानी के सरफेस पे आएगा या फिर जहाँ पे आपका फिल्टर है उस कॉर्नर में जाके बैठ जाएगा, ताकि उसको बहुत सारा ऑक्सीजन मिले और वो रिलैक्स हो जाए। तीसरा, वो आइसोलेट करेगा, मतलब एक छोटे से या फिर एक कॉर्नर में चुपचाप जाके बैठेगा, इस डर से क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो ऑब्वियस है कि जो फिश अच्छी तंदुरुस्त है वो जाके उन्हें अटैक कर सकते, तो उससे बचने के लिए वो खुद को अलग करेगा सब फिश से, एक चुपचाप एक कॉर्नर में जाके बैठ जाएगा। चौथा ये पॉइंट है कि वो खाना नहीं खाएगा। ऑब्वियस है, हम भी जैसे हमें बीमार होते हैं तो हमें भूख नहीं लगती, हम खाना नहीं खाते क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक है। तो सिमिलरली फिशेस के साथ भी यही होता है, उनका इम्यूनिटी वीक है तो वो खाना नहीं खाएंगे, एक शांत जगह पे जाके बैठ जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि उसके जो फिन्स है जो इतने सुंदर दिख रहे वो क्लैम्प्ड हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। और सबसे लास्ट सिम्टम ये है, जो व्हाइट स्पॉट उनके बॉडी पे आता है ना, वो एक पैच जैसे भी हो सकते हैं और उनके पूरे बॉडी स्किन पे वो रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएंगे। तब हमें जाके पता चलता है कि हमारे फिश को कुछ डिजीज है, शायद उसे ईक होने के चांसेस बढ़ रहे या फिर शायद उसे ईक हुआ है। तो अभी हमने सीखा कि अगर हमारे फिश को ईक हुआ है तो उसके
रीजंस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे फिश को ईक हुआ है। अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे फिश को ईक हुआ है तो उसे हम ट्रीट कैसे करेंगे। अभी ट्रीट करने के दो तरीके, एक नेचुरल ट्रीटमेंट या फिर मेडिसिंस। सबसे पहला, अगर आपको पता है कि आपके फिश को कुछ हुआ है तो सबसे पहली चीज है उसे आप सेपरेट करना, क्वारंटाइन करना, एक हॉस्पिटल टैंक क्रिएट करना। मोस्टली कैसा होता है ना, बहुत सारे जन जैसे नॉर्मली अगर हमारे फैमिली मेंबर में नॉर्मली फिश भी कैसे अगर हमारे घर में लाए तो वो एक हमारे मेंबर जैसे हो जाते हैं, सो वी गेट नॉर्मली अटैच टू देम। तो उन्हें कुछ हुआ तो हमें भी बुरा लगता है, तो अभी फिश बीमार है तो हम बहुत सारे ट्रीटमेंट हड़बड़ी में ट्राई करना स्टार्ट कर जाते हैं कि अभी ठीक होगा। वो बात कर सकते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली उन्हें क्या हुआ, बट वो बात नहीं कर सकते तो हमें ऐसा लगता है कि ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है, वो, तो हम बहुत सारे मेडिसिन जो एक्चुअली उन्हें नीड नहीं है वो सब हम अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं। और जैसे मैंने बोला कि अगर आपके फिश को कुछ इश्यू हुआ है तो उसे एग्जिस्टिंग फिशेस से दूर करके क्वारंटाइन टैंक क्रिएट कीजिए, एक हॉस्पिटल टैंक बनाइए, फिर उस फिश को उसमें रखें। नॉर्मली क्या होता है ना, अगर हम बहुत सारे मेडिसिन ट्राई करेंगे जो हमारी फिश को रिक्वायर्ड नहीं है, उससे बाकी के फिशेस को भी अफेक्ट हो जाता है, उनका इम्यून जो है वो उसे यूज टू करने लग जाता है। तो इससे क्या होगा ना, अगर उन्हें जो इशू नहीं है तो भी हम उसे मेडिसिन देंगे तो ऑब्वियस है कि उनके इम्यून को हम लोग खराब करें, तो बाकी के फिश भी अनहेल्दी होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है, इसलिए हम एक अलग से टैंक बना के क्वारंटाइन करके फिर हमारे फिश को ट्रीट करेंगे। सो फिश को ट्रीट अब कैसे करते हैं, फर्स्ट हमने एक टैंक बनाया, हॉस्पिटल टैंक, उसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 28 पे, फिर हम उसे मेडिसिन देंगे। सो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। पहला मेडिसिन आप यूज कर सकते हो जैसे ईशा का 2000, एपीआई का जनरल क्योर, या फिर सीकेम का क्यूप्रामाइन, मेट्रोप्लेक्स, कानाप्लेक्स, नियोप्लेक्स, या फिर सीकेम का गार्लिक गार्ड, या फिर नीका का व्हाइट स्पॉट। ये सारे मेडिसिन आप यूज कर सकते हो अगर आपके फिश को व्हाइट स्पॉट हुआ है तो, मतलब ईक हुआ है तो। अब हमने देखा कि हम इसे मेडिसिन से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अब हम जानेंगे कि नेचुरल क्योर कैसा है। सबसे अच्छा और नेचुरल क्योर है गार्लिक जूस। अब आप इसे कैसे खिलाओगे, सबसे पहला अच्छा क्वालिटी का खाना खिलाइए अपने फिश को। गार्लिक जूस को आपके फिश फूड के साथ मिक्स कीजिए और आपके फिश को खिलाइए। अभी इससे क्या होता है ना, फिश का वो फ्रेग्रेंस जो खाने का, गार्लिक का जो फ्रेग्रेंस है, उससे वो अट्रैक्ट होके ना खाना खाने के लिए आएंगे। इससे उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होते जाएगा और धीरे धीरे वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे। नॉर्मली नेचुरल क्योर को बहुत टाइम लगता है बट डेफिनेटली काम करता है। सो पेशेंस रह के आप ट्रीट करोगे तो आपके फिश को आप अच्छी तरीके से हेल्दी बना सकते हो और डेफिनेटली वो धीरे 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 वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। और सर ने तो गार्लिक पे वीडियो भी बनाया है कैसे हम अपने फिश को खिला सकते हैं, वो भी आप देख सकते हो। आज हमने सीखा कि अगर हमारे फिश को ईक हुआ है या फिर ईक होने की पॉसिबिलिटी है तो इसे हम कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे और क्या क्या ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं अपनी फिश को सेफ करने के लिए, या फिर अगर उसे ईक हुआ है तो उसे कैसे बचा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपने एंजॉय किया हो, सीखा हो मेरे साथ कि अगर हमारे फिश को ईक हुआ है तो इसे हम कैसे क्योर करेंगे, कैसे हमें पता चलता है कि हमारे फिश को कुछ डिजीज है। टिल देन बाय, स्टे क्यूट लाइक मी।